प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है अगर लिमिट में की जाए। आज की सरकारें ज्यादा कर रही हैं। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ, हरियाणा की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अगर तुम्हें पता हो, जिसमें सरकार ने लिखित में आया था अखबार में, सरकार ने क्या कहा, अगर किसी की सालाना आय 1,80,000 से कम है, ये बहुत ही कम है, 1,80,000 पूरे साल के, किसी को इतने से कम मिलते हैं तो वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो उसको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसकी फीस हम भरेंगे, यानी सरकार भरेगी, 1,100 रुपए तक हम उसको फीस दे देंगे। अब सोचो, अपने घर से बच्चा सरकारी जाएगा तो पैसे लेके जाएगा, और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके पैसे कहाँ से आएंगे, सरकार। बड़ा अच्छा काम है ना, अच्छी चीज तो है ये। लेकिन इससे पता है क्या होगा, 5-7 साल बाद सरकार कहेगी बजट बहुत गड़बड़ा गया, और ये जो 1,100 रुपए हम देते हैं हम आगे इसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। उन 5 सालों में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए होंगे। धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल से एडमिशंस खत्म, अभी भी कम है, खत्म। फिर 2-3 साल बाद क्या करेंगे, बजट में कहेंगे सरकारी टीचर्स बिना बात तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चे तो है नहीं, बिना बात पंखे चला लेते हैं, खर्चा है, चपरासी रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर कहाँ जाएंगे, सैलरी तो मिलती है मोटी। फिर कहेंगे सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, जिसको खरीदने हो स्कूल वो बता देना। पूरे देश में इमेजिन करो हर गांव में स्कूल है, कितनी कितनी जमीन होगी, हर जगह कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, ये अरबों की संपत्ति है। किसके पैसों से बनी है ये, हमने कभी तो टैक्स दिया, हमारे माँ बाप ने, दादा ने, हमारे उस पैसे की संपत्ति को बेचने वाला कौन, सरकार। वो पैसा खाने वाली सरकार, उसका उस पैसे का इस्तेमाल हमारे लिए थोड़ी ना करेंगे, हमें पता ही नहीं कहाँ जाएगा। सारे स्कूल कुछ सालों में देखना तुम, बड़े जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, पूंजीपति, इनको ट्रांसफर हो जाएंगे। कारण यही होगा कि भैया हम तो मेंटेन कैसे करें, बच्चे नहीं आते यहाँ, हम कैसे करें। अब सारे बच्चे ढल गए प्राइवेट की तरफ, क्योंकि वो फ्री सोच रहे हैं इसको, वो सोच रहे हैं हमारी फीस कौन दे रहा है, सरकार। सरकार ये फीस कुछ साल बाद बंद कर देगी, और जब वो गरीब लोग वापस आएंगे ना कि यार सरकार नहीं देती, चलो सरकारी में पढ़ते हैं, तब तक सरकारी स्कूल बंद हो चुके होंगे, इन पे बड़े बड़े ताले लटके होंगे, या इनके बोर्ड बदल के लिखा होगा अंबानी प्राइवेट स्कूल या अडानी प्राइवेट, हाँ ऐसा ही होगा, यही फ्यूचर है हमारा, अडानी प्राइवेट स्कूल। और जब जाके यहाँ फीस पता करेंगे ना, तो 5,000 मिनिमम फी है। अब बताओ वो मजदूर का बेटा, वो किसान की बेटी कहाँ पढ़ेंगे। सब चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी आने वाले 5 से 8-10 सालों के अंदर कि तुम्हारे देखते देखते चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। और सरकार निजीकरण का, जो लोग पक्षधर है ना, जो कहते हैं निजीकरण अच्छी चीज है, निजीकरण अच्छी चीज है अगर चीज ऐसी हो जिसको अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई ये एरोप्लेन है, अमीर ही जाता है इसमें बैठ के, कर दो प्राइवेटाइज, हमें कोई दिक्कत नहीं, बेच देते एयर इंडिया, दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वो है जिस चीज का इस्तेमाल कौन करता है, गरीब, और तुम उसको प्राइवेट कर रहे हो। जैसे गरीब के पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, भाई एरोप्लेन में बैठने वाला 12,000 की टिकट ले चाहे 20,000 की, उसकी जेब पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर बस में चलने वाले आदमी जो रोज बेचारा 10 रुपए बचाने की सोचता है, अगर तुम टिकट 10 की जगह 50 की करोगे तो वो तो बेचारा मर गया, वो कैसे जीवन जिएगा। तो जो प्राइवेटाइज कहते हैं ना अच्छी चीज है, अमीरों वाली चीजों को प्राइवेटाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेचारा गरीब मुश्किल से जीवन यापन करता है उसकी चीजें क्यों प्राइवेटाइज करा रहे हो। और सरकार अब जो अगली नजर रख रही है ना, वो शिक्षा पे है। तुम्हारे ये स्कूल कुछ सालों में सारे जानबूझ के डूबते हुए दिखाए जाएंगे। ये सब चीजें ना इतनी प्लानिंग से होती है कि पता नहीं चलता कैसे चीजों का स्तर पहले धीरे 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 गिराया जाता है, और ऐसे दिखाया जाता है काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। आज की डेट में किसी इंडियन से पूछो सरकारी स्कूल का क्या हाल है, तो वो 100% क्या कहेगा कि बहुत बकवास, कुछ पढ़ाई नहीं होती। ऐसी पिक्चर दिमाग में क्रिएट करके और 10-20 साल में रास्ता बन गया कि हर आदमी के मन में कि यार ये बकवास है, बहुत पैसा खाता है सरकारी स्कूल सरकार का और करता कुछ नहीं है, तो फिर इसको प्राइवेट करना बेहद आसान है। ऐसे ही बिजली में किया गया, ऐसे ही रेल में किया गया। जब चीजें प्राइवेट होती हैं तो पैसा क्यों कमाने लगती हैं भाई, सरकारी क्यों नहीं कमा पाती, क्या ऐसा है प्राइवेट में कि पैसा कमाने लगती है वो चीज। प्राइवेट में आदमियों से काम लिया जाता है, सरकार में निकम्मे जानबूझ के बनाए जाते हैं। अगर इन सरकारी स्कूलों पे टाइम टू टाइम स्कूल इंस्पेक्टर्स आए, हर मंडे चेकिंग हो,
और स्कूल इंस्पेक्टर का काम ही ये हो कि आपके अंडर जितने स्कूल है ना वो आपको मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जाके चेक करने हैं। किसी भी क्लास में इंस्पेक्टर जाए, तीसरी क्लास खड़ा हो किसी बच्चे को, यहाँ लिख के दिखाओ, नहीं लिखना आया तो किसकी जिम्मेदारी है? ये पकड़े जाए। अगर दो साल ढंग से काम कर लेंगे टीचर्स कैसे नहीं पढ़ाएंगे? टीचर्स इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि टीचर्स को पढ़ाने का माहौल ही नहीं दे रखा, इतने फालतू के काम दे रखे हैं ताकि आने वाले सालों में दिखाएं कि ये बकवास स्कूल ही बंद करना ही ठीक है। फिर आपको और मुझे भी लगेगा हाँ यार ये सरकारी स्कूल कुछ करते ही नहीं है, जबकि असलियत ये है कि सरकार चाहती नहीं कि सरकारी स्कूल कुछ करें, वरना हर कोई काम कर सकता है। इन्हीं सरकारी स्कूलों से IAS निकले हैं ना पहले लोग, जब तक ये प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो पढ़ाई यहीं थी। आज भी सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, GK, करंट सब सीखना पड़ता है।